क्लास सेवन। टुडे इज मंडे एंड द डेट इज 20 जुलाई 2020। ये तीन टर्म्स हैं जिनको आपको डिफाइन करना है, खुद आपको सर्च करना है अपने चैप्टर में। जो चैप्टर अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं उसमें से ये आपको बायोम्स, नॉक्टर्नल और कैमोफ्लाज, ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी डेफिनेशन आपको ढूंढनी है। या तो आप चैप्टर में से ढूंढ लें या इंटरनेट पे से ढूंढ लें, ये तीन की डेफिनेशन आप खुद से ढूंढ के लिखेंगे। डेफिनेशन के अलावा आपको पेज नंबर 40 पे मौजूद हैं ये स्ट्रिंग्स एंड ब्लैंक्स, ये भी आपको करने हैं। सबसे पहले इकोलॉजी इज़ स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स होम, हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं ना कि एनिमल्स और प्लांट कहाँ रहते हैं, तो वो सी है, इस पर टिक लगाएंगे। और ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। एनिमल हैज़ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प टू सर्वाइव इन इट्स होम। हमने ये बताया था कि हर एनिमल जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने उसको ऑर्गन्स दिए हुए, उसको करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए। जैसे भालू रहता है बर्फानी इलाके में, तो अल्लाह ताला ने उसको बाल दिए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्दी से, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर है पेट्री द स्नैपिंग टर्टल। टर्टल पता है ना आपको किसको कहते हैं? कछुए को। तो जो कछुआ है, उस एक कछुआ है जिसका नाम पेट्री है, पेट्री जो है वो स्नैपिंग टर्टल है। वो कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट क्या है? वो डेजर्ट में नहीं रहता, फॉरेस्ट में नहीं रहता, ओशन में नहीं रहता, बल्कि वो वेटलैंड में रहता है, ठीक है। फिर है व्हाट एडेप्टेशन डू पेट्री मेक टू सर्वाइव इन हैबिटेट। पेट्री को कौन सी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो अपनी हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा है इन अ डेंजरस सिचुएशन। आपको पता है जब कछुए को डर लगता है या कोई मुसीबत आती है तो कछुआ अपने खोल के अंदर सर कर लेता है, तो इसका मतलब है जो हार्ड शेल वाला ऑप्शन है इसको टिक करेंगे हम, क्योंकि हार्ड शेल में वो अंदर मुंह कर लेता है जब उसको पास कोई डेंजर आता है, कोई और एनिमल उसको खाने आता है। स्नैपिंग टर्टल यानी जो पेट्री है वो किस टाइप का टर्टल है, कैसी स्पीशी है? वन स्पीशी टाइप ऑफ टर्टल, ठीक है, स्पीशी पे टिक लगाएंगे। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? दूसरे एनिमल को खाने से नहीं, बल्कि फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट से, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। स्टडी ऑफ लाइफ, चेक ऑल द फॉलोइंग आंसर्स दैट आर बायोटिक थिंग्स इन पेट्री वेटलैंड हैबिटेट। पेट्री जो एक टर्टल है, बायोटिक का क्या मतलब होता है बेटा? लिविंग। तो ये सारी है जो वो हैं ये किसकी हैबिटेट हैं? पेट्री की। अब इसमें से जो बायोटिक थिंग्स हैं उनको आपको टिक लगाना है, ठीक है। पॉन्ड वाटर बायोटिक तो नहीं है ना, लिविंग तो नहीं है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। रॉक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, डकवीड भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है। तो सिर्फ वॉर्म यानी कीड़े और फिश, और डकवीड भी, डकवीड क्योंकि पौधे को कहते हैं, जो झाड़ियाँ नहीं होती समंदर के अंदर या पॉन्ड के अंदर उसको डकवीड कहते हैं। तो ये और इसको टिक करेंगे क्योंकि यही हैं जो कि पेट्री की हैबिटेट में यानी पेट्री के घर में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन एन एरिया। लिविंग थिंग का एयर वाटर सॉइल के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। व्हाट इज़ द प्लांट जॉब इन अ फूड वेब? प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं। विच बायोम वुड हैव द वार्मेस्ट टेम्परेचर? कौन सा बायोम में कौन सा इलाका है जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है? ऑफकोर्स डेजर्ट का। द रेन फॉरेस्ट हैज़ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेन फॉरेस्ट का क्या? गर्म और बहुत ज़्यादा नमी होती है वहाँ पर, वहाँ के आबो हवा में। फेयर ऑन अर्थ द रेन फॉरेस्ट लोकेटेड। सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? होते हैं ओनली इन अफ्रीका, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो कहाँ पर हैं? अफ्रीका में, ओनली इन अफ्रीका, बल्कि ओनली इन अफ्रीका नहीं है बल्कि नियर द इक्वेटर रहेंगे, ठीक है। इक्वेटर आपको पता है ज़मीन के बीच में से एक लाइन गुजर रही है बिल्कुल बीच में से, जिसको इक्वेटर कहते हैं। तो जो इलाके इक्वेटर्स पे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। के पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, स्नेक, टोड एंड बैट्स, मशरूम। इसमें आप बताएं डिकम्पोजर कौन सा है, कौन सा इसमें से एनिमल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया है जो डिकम्पोज करता है डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को। आप ये बताइए कौन सा फूड चेन है जो ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको आपको खुद टिक करना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी बल्कि खुद आपको खुद टिक करना है इसको, ठीक है। थैंक यू क्लास 7।